मैं परिचय देता हूँ सबका। आप विनोद शाह जी हैं और इस इंडस्ट्री के बहुत पुराने निर्देशक हैं और एक लंबी फहरिस्त है इनके फिल्मों की। मेरे जीवन साथी, काला सोना और लास्ट फिल्म इनकी थी जाल लट रहा। इनके बाद कई सारे इनके व्यवसाय हैं लेकिन फिल्म मेकिंग इनका पहला पैशन है और इस फिल्म को ये और खालिद भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं। खालिद के भाई इस फिल्म के इन प्रोड्यूसर हैं जो इस फिल्म की परिकल्पना से लेकर इसको क्या कहते हैं उसको एग्जीक्यूशन तक इन्हीं के हाथ में था। और खालिद भाई यूपी से हैं क्योंकि ये विषय ये जो जिस सब्जेक्ट पे फिल्म बनी है ये भी यूपी पे यूपी केंद्रित है तो वहाँ की समझ है, वहाँ के हैं और वहाँ की बात कहना चाह रहे थे। तो खालिद किदवई साहब हैं। आप सीमा आज़मी हैं और सीमा आज़मी बेहतरीन अदाकारा हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत रंग कर्म से की है और लेकिन फिल्मों में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। चक दे इंडिया थी इनकी फिल्म और ये फिल्म राम भजन जिंदाबाद एक बेहतरीन मतलब ये जब फिल्म आएगी तो मुझे लगता है कि इनको एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में लोग जानेंगे। और जो अभी जिस तरह का फिल्मों का माहौल है जैसे एक्ट्रेस आ रहे हैं उनमें इनकी छाप अमिट रहेगी क्योंकि ये रियलिस्टिक अप्रोच से एक्टिंग करती हैं और कमाल का काम करती हैं। और मैं शशि वर्मा हूँ, मैं भी पेशे से फिल्म मेकर हूँ और इस फिल्म का मैं क्रिएटिव हेड हूँ। जी सर, सबसे पहले जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी, ये इसमें कोई भी फिल्म में पैसा लगाने से पहले तो इंसान देखता है कि स्क्रिप्ट कैसी है, कास्ट कैसी है, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपका क्या रिएक्शन रहा? पहले स्क्रिप्ट नहीं आई थी, पहले एक कॉन्सेप्ट सुनाया गया था जी। तो वो कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा अजीब सा लगा जी। आजकल की जो हिंदुस्तानी कल्चर में है कि अपनी वाइफ का कोई रेप नहीं कराएगा या ये जो प्रथा है या जो भी इसको इस है चल रहा है गलत है और पब्लिक हजम नहीं करेगी और हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। लेकिन जब राइटर ने उसको नरेट किया, हमारे विशाल विजय कुमार उसके राइटर हैं और नरेट किया और हमें डायरेक्टर रंजीत गुप्ता हैं, उन दोनों मिलकर के जब इसको सुनाया उन्होंने बताने लगे और जिस ड्रामा टाइप में और मतलब इस तरह से कॉन्सेप्ट में सुनाया तो हमें अजीब सा लगा कि नहीं इसके ऊपर काम करना चाहिए और पब्लिक में आना चाहिए कि अगर इस टाइप की कोई चीज़ हो रही है तो पब्लिक के सामने आए और जो गलत है वो गलत है और बहुत कुछ सीख मिलती है उस कॉन्सेप्ट के। इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया कि नहीं इसको काम करना चाहिए इसको। तो फिर देन फिर स्क्रिप्ट डिटेलिंग में बैठे और फिर प्रोडक्शन में आगे बढ़े उस हिसाब से। सर आप क्या कहें? हमें तो स्क्रिप्ट और आइडिया अच्छा लगा, नया आइडिया है जी। ऐसा लगता है कि भाई फर्स्ट टाइम इंडियन स्क्रीन पे आ रहा है और स्टार कास्ट कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है बट एक कॉन्फिडेंस है कि जो उसका मटेरियल है स्क्रिप्ट का जो बेस है वो ऑडियंस को अंदर लेके आएगी, उस भरोसे के ऊपर हम लोग आगे जा रहे हैं। सुधार होगा लगता है? डेफिनेटली चलेगी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि फिल्म ज़रूर चलेगी और तभी हम जुड़े इस फिल्म के साथ में। नॉर्मली तो हमने बड़े आर्टिस्ट के साथ ही फिल्में बनाई हैं आज तक, लेकिन मुझे कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा और ये लगा कि ये आज के दौर के हिसाब से चलेगा और जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत बढ़िया है, म्यूज़िक अच्छा है इसका, गाने अच्छे बने हैं, बाकी आर्टिस्टों ने बहुत बढ़िया काम किया सभी आर्टिस्ट ने। तो देखिए एक भरोसे के ऊपर चल रहे हैं हम। बाकी तो सर ने कहा है आपने बहुत सारी फिल्में की है। हाँ जी हाँ। इस तरह की आपकी पहली फिल्म है? ये पहली फिल्म है। हाँ। तो थोड़ा ऐसा नर्वसनेस है कुछ के? नहीं, मुझे सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नर्वसनेस नहीं है, मुझे सब्जेक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि और जब लग रहा है कि ये डेफिनेट चलेगी तो हम उसी हिसाब से इसकी पब्लिसिटी कैंपेन पूरा बना रहे हैं, उसको उसी हिसाब से बना रहे हैं। सर आपका क्या रिएक्शन था जब इस मुद्दे पे जो मतलब यूपी में तो अक्सर होता रहता है रेप का हर एक केस, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, देखा जाए तो स्क्रिप्टेड रहते हैं हमें सावधान इंडिया जो भी है, तो इस विषय पे क्यों ही आपको काम करना था और इस पे पिक्चर क्यों बनाना? देखिए फिल्म मेकर जो होता है वो कोशिश करता है उन कहानियों को गढ़ने की जो उसके इर्द गिर्द घटती है, मतलब दिखाने की एक तरह के फिल्म मेकर ऐसे होते हैं। और इस तरह के फिल्मों के साथ क्या है, आज का दौर जो सिनेमा का है रियलिस्टिक फिल्मों का है, कंटेंट ओरिएंटेड है, जैसा विनोद जी ने कहा कि ये फिल्म विषय परक है, सब्जेक्टिव फिल्म है। और इस फिल्म की खास बात यह है कि अभी जो सिनेमा चल रहा है उसमें कंटेंट किंग बन गया है, स्क्रिप्ट बड़ा होता है, तो
जैसा उन्होंने कहा कि इस फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत मजबूत है, बहुत नामचीन एक्टर हैं अपने अपने हिसाब से, ओम पुरी जी हैं, भूषण खरवंदा हैं, सीमा आजमी हैं, जगदीप साहब हैं, ये सब हैं, लेकिन ये सब जैसा वो करते आए हैं एक्टिंग वैसा इन्होंने नहीं किया है, बिल्कुल अलग किया है, और दर्शक इनको देख के मतलब पसंद करेंगे। रही बात इस तरह की फिल्म क्यों बननी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी योजना बनाई जाती है तो उसके जो जिनको ये लाभ मिलना होता है वो एक क्राइसिस में किया जाता है कि भाई इनके साथ कुछ घटा है तो वो चीज़ तो हम वापस नहीं कर सकते, मगर इनको एक समाज में वापस रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ राशि या कुछ ऐसा हम देते हैं, लेकिन इस बात को कोई व्यवसाय बना ले तो वो गलत है। तो ये फिल्म इसी बात को बड़े दिलचस्प ढंग से कहती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को कचोटेगी, गुदगुदाएगी भी और एट द सेम टाइम कचोटेगी भी, कह रहे यार ये क्या हो रहा है। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये कोई रियल कहानी से बेस्ड है, कोई जैसे ये घटना घट चुकी है, घटना इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, कहा जाता है कि एक अनुमान के हिसाब से 1600 केसेस ऐसे आए थे जिनमें लोगों ने फर्जी बलात्कार के नाम पे लोग उस योजना का फायदा उठा रहे थे, लाभ ले रहे थे, और जिसमें महकमे के कई अधिकारी जैसा होता है सरकारी तंत्र मिले होते हैं, और तो लगा कि यार इस बात को लोगों तक बड़े माध्यम से पहुंचाना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, और हास्य से बढ़िया कोई विषय नहीं, हास्य से बढ़िया कोई तरीका नहीं होता है जिसमें आप बात कहें लोगों को हंसाए भी और लोग कहें बेटा हंस लिए तो अब देखो देखो यार रियलिटी ये है। मेरी पिछली फिल्म जो शोरगुल थी वो भी इसलिए बाद में थी क्योंकि उसमें कहा गया कि ये मुजफ्फरनगर दंगे पे बेस्ड है, इसको लेकर संगीत सुन ने बड़ा उसमें बड़ा माहौल बनाया कि नहीं होने देंगे। मैंने कहा कि आइए ना आप देखिए फिल्म को, देखिए फिल्म को जस्टिफाई कीजिए, फिल्म अगर आप कहीं पर ऐसा लगता है तो फिर उसके बाद तमाशा कीजिए समझ में आता है, लेकिन किसी दूसरे कंधे पर अपनी बंदूक मत चलाइए, अपनी अपनी राजनीति मत सीखिए। तो इस फिल्म में भी कई लोग कह रहे हैं कि अरे यार उसमें ऐसा क्यों हो गया, एक नेता विशेष समूह को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप सीमा जी से पूछिए उनको अभिनय करने में कैसा लगा, और क्योंकि एक एक्टर भी कोई जो रोल ढूंढता है अपने लिए वही रोल ढूंढता है जिसको लगता है कि मैं इसमें बेहतर कर पाऊंगा, और ये एक रन इन द मिल्स वाली फिल्म नहीं है जिसको अरे मिला या उन्होंने पैसे क्लिक कर लिया, बहुत पैसनेट होकर ये फिल्म बनी है, और खालिद किदवई जी या विनोद शाह जी या जिस जो भी जुड़े हैं इस टीम से जो जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है बहुत मतलब मजबूती के साथ मशक्कत के साथ, सोचिए कि कितनी तकलीफें झेली होंगी इस तरह के कॉन्सेप्ट पे चांस लेने के लिए। जैसे उन्होंने कहा ना पहले कि कॉन्सेप्ट सुनने में अटपटा लगता है यार, अपनी वाइफ का बलात्कार करवा करके और योजना का लाभ उठाए ऐसा कैसे लोग दर्शक पचा पाएगा, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ इस फिल्म में बात कही गई, उसका प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरती के साथ प्रेजेंटेशन। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपको जब ये किरदार ऑफर किया गया था, मिला था, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपने इसको किस तरह से निभाया है, और आपके किरदार के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, जब मुझे अप्रोच किया गया इस रोल के लिए, इस फिल्म के लिए, तो मेरे लिए एज एन एक्टर जैसा कि शशि जी बता रहे थे, हम ढूंढते रहते हैं कि कुछ हमको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, यू नो, जिस तरह के रोल, ऐसे तो बहुत सारे काम हम करते रहते हैं लेकिन हमें पता होता है कि ये रोल मैं करूँगी तो ये याद किया जाएगा। सो जब पहली बार मुझे नरेट किया गया तो मेरे लिए भी बड़ा अचंभा था कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता है क्या। बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मैंने उस रोल के बारे में देखा तो मुझे पता था ये रोल मैं बहुत बेहतर कर सकती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैं उस तरह के लाइफस्टाइल को जानती हूँ, मैं लोगों को जानती हूँ, और मुझे पता है वो कभी नहीं कह पाते अपनी बात, शायद ये कैरेक्टर के थ्रू, जो शायद जिस तरह की ये है कैरेक्टर, मतलब गरीबी में रहते हुए भी, इतने क्राइसिस में भी लाइफ जीते हुए भी, जो अपनी मोरालिटी को इंटैक्ट करके रहती है, वो बहुत अच्छे से लिखा गया था, बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया, द लैंग्वेज, द डायलॉग, आप इसका देखिए, और मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए बना है। सो द मोमेंट आई रियलाइज कि ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, इसलिए हम तो यहाँ पे सेफ फील, मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ी बली हूँ और वहाँ से आई हूँ, तो मुझे पता है क्योंकि मैंने उसे देखा है, मैंने खुद भी फेस किया है, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ मेरे साथ भी हुई हैं, खैर टचवुड हम काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं तो इसलिए उस तरह का कोई लिबर्टी नहीं ले पाया। बट जब वो उन लड़कियों के साथ होता है जिनका कोई गुनाह नहीं है यार, मतलब बीइंग अ वुमेन, जिस तरह से उनको परवरिश दी गई है, उनकी क्या गलती है, सिर्फ बाहर जाती हैं या कुछ भी करने के लिए, वो बाहर भी शायद नहीं जाती, वो गलती से भी निकली
तो ये मानसिकता है बेसिकली, ये एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, कोई शब्द भी इसके लिए नहीं, मैं मानसिकता, हाँ मतलब ये बहुत ही घिनौनी मानसिकता है कि शायद आपके अंदर का कुंठा है या कोई ऐसी चीज है जिसको आप किसी दूसरे इंसान के थ्रू अपनी उस भावना को यू नो फुलफिल कर रहे हैं. दैट्स वेरी वेरी सैड. और यूपी समहाउ मेरे को भी बहुत इस बात से शर्म आती है क्योंकि मैं यूपी से हूँ और जब मैं ऐसी घटनाएं सुनती हूँ और जिस तरह के लोग उसको लेते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि, और मुझे लगता है कि इस बारे में ये फिल्म इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब आप देखेंगे कि एक स्टैंड लिया गया है इस फिल्म के. आप एंटरटेन होते हैं, आप हंसते हैं, आप खुश होते हैं, एट द सेम टाइम एक मैसेज, एक तरह का जो आज के टाइम की डिमांड है वो आप एक मैसेज लेके जाते हैं. सो इसलिए ये मैं कहना चाहूँगी. पिक्चर देखने के बाद एक लड़की को एक मैसेज क्या मिलने वाला है पूरी पिक्चर देख के, एक मतलब जैसे कोई लड़का छेड़े या कुछ करे उस दौरान उसको क्या सोच आनी चाहिए आपकी पिक्चर देख के, ऐसी कोई मैसेज है आपकी? देखिए, पिक्चर देख के अपने अंदर सम्मान की भावना उठती है जी, कि जिस तरीके से किसी घटना का, घिनौनी घटना का राजनीतिकरण कर देते हैं अपने अपने लाभ के लिए जी, और होता कुछ नहीं है, वो पीड़िता ही बन के रह जाती है और जिनको अपनी अपनी चीज़ें चमकानी होती चमका देते हैं. लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि जो इस फिल्म की नायिका है, जिसके लिए ये गढ़ा गया है, वो अपने सम्मान के लिए उस मतलब उस सूबे के बड़े नेता को छोड़ती नहीं है और वो अपने सम्मान के लिए खड़ी रहती है. और कहीं ना कहीं फिल्म देख कर लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. योजनाएँ तो हैं, कई तरह की हैं, लोग उसका लाभ भी उठाते हैं, लेकिन ये फिल्म बताया जाएगा उन लोगों को कि सम्मान और इज्जत से बढ़कर ये पैसा नहीं है. तो इस बात का भान बोध जरूर कराती है. जैसे बलात्कार की बात हो, जो केसेस हुए थे पहले, मायावती ने एक ऐप भी लॉन्च किया था गर्ल के लिए, सब जैसे कुछ भी हो तो ऐप के जरिए मालूम पड़ जाए. तो कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि ये विलेजों में कम इसके बारे में जानकारी दी गई है, उनको मालूम नहीं है या फिर उनका यूज़ नहीं किया जा रहा है वहाँ, और उससे कुछ सुधार हुआ है लगता है? देखिए, यूज़ हो रहा है. अखिलेश जी के शासनकाल में भी वो जो 1090 करके चला है, वो भी बहुत बड़ा मुहिम है और बहुत सफलता मिली है. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर अभाव है जानकारी का. अगर ढंग से उसकी जानकारी को स्प्रेड आउट किया जाए, समझाया जाए, तो लोग इस बात को मतलब मान लेंगे कि नहीं यार ये गलत है. लेकिन क्या होता है कि गरीबी जो है ना, वो पैसे के आमने घुटने टेक देती है. तो शोषण उन्हीं लोगों का होता है जो घुटने टेकते हैं. तो क्या है कि ऐसे माहौल में जहाँ आपको लगता है यार पैसा मिले तो दो रोटी खाएँ या मेरे जीवन यापन में सुधार आए, तो थोड़ा बहुत आदमी स्वार्थवश कुछ गलत ट्रैक पर चला जाता है. तो ये कहानी भी ऐसे ही एक राम भजन की है जो अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपने पूरे परिवार को दांव पे लगाता है कि ऐसे योजना में जो कि उसके साथ हुआ ही नहीं, लेकिन उस योजना का जो दुष्प्रभाव हुआ है बाकी लोगों पर या दुष्प्रचार से लोगों को पैसे आए, उसको लगता है ऐसा हो जाएगा तो मेरे पास भी आ जाएगा, मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी. तो एक उस तरीके का पूरा माहौल है. लेकिन उसमें एक महिला जिसके नाम पे ये खेला जा रहा है, वो कितने मजबूत ढंग से बाहर आती है, निकलती है, ये बहुत बड़ा संदेश है और झकझोर के रखेगा लोगों को. जैसे आपने कहा है कि घुटने टिकाने वालों को ही टारगेट किया जाता है, आपकी ये पिक्चर हो या पिछली पिक्चर, आपको हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर और टारगेट बनाया गया है और हमेशा आप खड़े रहे हैं, भले आपके प्रोड्यूसर हों, आप प्रोड्यूसर के साथ खड़े रहें. इसमें किस तरह की परेशानियां होती जा रही हैं, कुछ सेंसर बोर्ड से परेशानी हुई है सर्टिफिकेट को लेके? अभी तो परेशानी नहीं हुई है सेंसर बोर्ड, चूँकि हमारी फिल्म गई है तो अभी कहना उचित नहीं होगा. लेकिन बहुत संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं, बहुत सज्जन पुरुष बैठे हुए हैं. देखिए, एक बात समझिए, सरकार की अपनी नीति है, फिल्म नीति है, जिसके तहत फिल्म बनाने के लिए पैसा देते हैं जी, बिल्कुल. लेकिन सरकार जो सेंसर देती है वैसे फिल्मों को भी देती है ना जो बाकी के लोग बनाते हैं. तो बाकी के लोग, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने पैशन के लिए फिल्म बनाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए फिल्म बनाते हैं, वो इसको रिलीज करने के लिए या इसको बनाने के लिए पैसा तो नहीं दे रहे हैं. तो ये बात सेंसर भी समझता है, सेंसर बोर्ड में जो अधिकारी बैठे हैं वो लोग भी समझते हैं कि यार इन फिल्मों का क्या न्याय होना चाहिए, ठीक है ना.
अब बाकी कहता ना, अभी मैं कुछ बोल दूँ और उस पर कुछ विवाद हो जाए और कहे संदर्भ की यार आपने ऐसा क्यों कहा, आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा या आपको फलाना सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो अभी थोड़ा अर्ली टू से मुझे लगता है कि हमारे फिल्मों के साथ न्याय होगा, सेंसर बोर्ड न्याय करेंगे और क्योंकि उनको भी मालूम है ना कि सिनेमा समाज का आईना है, सिनेमा साहित्य नाटक रंगकर्म सब जो है समाज का आईना है, हम जो देखा जो दिखाएंगे लोग देखेंगे और कम से कम अवेयर होंगे, तो हम उन फिल्म मेकरों के कॉम में से आते हैं जो वाकई समाज को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाए हैं। पिछली फिल्म भी वैसी थी, ये फिल्म भी वैसी है। और अब आप सोचिए खालिद किदवई जैसे व्यक्ति जिनका अपना एक बैकग्राउंड रहा है सोशल वर्क का, एक अपना एक रहा है, जब वो फिल्म निर्माण में आते हैं, पेशे से सीए हैं, जब फिल्म निर्माण में आते हैं तो उनके पास कई सारे ऑप्शन थे, विनोद सर के पास कई सारे ऑप्शन थे कि हमने ऐसा फिल्म बनाया है तो क्यों नहीं हम एक मनोरंजन प्रधान फिल्म बनाएं और उसमें कहते ना श्योर शॉट रिकवरी हो, टारगेट ऑडियंस हमारा फिक्स्ड हो। उसके बावजूद अगर ऐसे विषय पर चुनते हैं तो इनके जो सेंटिटी है, इनकी पवित्रता को हमको सलाम करना पड़ेगा, इनको इनको ये सराहना इस बात की होनी चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो वाकई कुछ बात कहना चाहते हैं। यही अगर ये फिल्म हमारी चलती और डेफिनेटली एक अच्छे मतलब मुकाम हासिल करेगी फिल्म, तो ही तो दोबारा इस तरह की फिल्म हम और बनाने की कोशिश करेंगे। इसका रिलीज डेट क्या है? जनवरी में है और जल्द ही इसको डिसाइड कर लेंगे हम लोग, जैसे ही सेंसर हो जाती है देन टाइमिंग डेट्स डिसाइड कर लेंगे। ट्रेलर लॉन्च हो गया? ट्रेलर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी जल्दी ही हम लोग करने वाले हैं इसको, मतलब अगले एक सप्ताह के अंदर हम उसको प्रॉपर लॉन्च करने वाले हैं। शूट का किया गया पूरा ये शूट लखनऊ के पास में बाराबंकी शहर से शूट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, जो कि जो लोकेशन है वो सब नेचुरल हैं, कोई इसमें कोई सेट और इसका कोई यूज़ नहीं किया गया, नेचुरल जहाँ जहाँ हो सकता था कोशिश किया है कि हकीकत दिखाने की कोशिश की गई। जैसे अभी पैसे की तंगी चल रही है, डीमोनेटाइजेशन चल रहा है, जनवरी में पिक्चर रिलीज, थोड़ा लगता नहीं कुछ ऐसा पिक्चर को अफेक्ट होगा? अभी तो जल्दी बोलना, अभी तो गर्म माहौल है अभी इस वक्त, लेकिन फिर भी उम्मीद करें कि ये चीज़ नॉर्मल हो जाए और उम्मीद भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हो रही है कि इसको जल्दी जल्दी इसको नॉर्मल हो जाए और हम सभी चाहेंगे कि देश सही लाइन के ऊपर आ जाए। और देखिए आप जिस माध्यम से हैं उसी माध्यम से हमें कहना चाहते हैं ना कि देखिए बड़ी फिल्में जो होती हैं उनको डीमोनेटाइजेशन का एक प्रभाव पड़ा है, कई सारी फिल्में भी लेकिन अगर हम ऐसी फिल्म कह रहे हैं जो अपने आप में कॉमेडी है, अगर एकदम बिल्कुल इंटरटेनमेंट वाली बात की जाए तो हास्य प्रधान फिल्म है, व्यंगात्मक कह सकते हैं, अगर इसका सही प्रचार हो गया, लोगों के जहन तक बैठ गया यार हंसते हंसते कुछ बात कहनी है जिसके लिए हम लोग सब लगे हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे इस डीमोनेटाइजेशन का कोई प्रभाव पड़ेगा। तो हम बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और लगता है कि कुछ कमाल होगा और ये फिल्म बनी है तो ये फिल्म लोग देखेंगे और देखेंगे तो खूब देखेंगे। पिक्चर इतने अच्छे कॉन्सेप्ट है तो इससे कॉन्सेप्ट को किसी नेता या किसी से डिस्कशन हुई है इस बारे में कि ऐसी कॉन्सेप्ट की पिक्चर बन रही है कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं? ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों ने किसी से कुछ अप्रोच नहीं किया, ना करने की ज़रूरत है। हम लोग जब किसी इसके ऊपर टॉपिक में बनाते हैं तो ये तो हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी को टारगेट करके नहीं की गई है, फिर ये हमने एक मैसेज भी छोड़ा है और इसको एंटरटेनमेंट वे में लोग बोलते हैं ना फिल्म को ये समाज का आईना है, तो आईने का मतलब ये नहीं कि जो समाज में गंदी चीज़ें हो रही हैं कोई अच्छी भी चीज़ें हो रही हैं उनको बराबर से देखा है और क्या गलत है और क्या सही है उसको हम पब्लिक तक पहुंचा सकें, जिससे कि पब्लिक उस चीज़ को समझे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो अच्छे को अच्छे से अडॉप्ट करें और जो बुराई है उसको छोड़ दें। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले जनगण मन पे हर मूवी थिएटर में उसका वीडियो प्ले किया जाएगा, फिर मूवी भले वो हॉलीवुड हो कहीं भी, तो उस पर केस जीत गए हैं कुछ लोग, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मतलब बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भी उनका सपोर्ट किया है इस बारे में कि जी बिल्कुल होना चाहिए, बाबा रामदेव जी ने भी उनके लिए वीडियो बना के बाइट भेजा है, तो इस विषय पे इस मुद्दे पे भले वो हॉलीवुड मूवी क्यों ना हो जनगण मन को रेस्पेक्ट दी जाएगी और उनके हित में सब खड़े होंगे और उनको रेस्पेक्ट दी जाएगी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए छोटी सी बात है, जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं से आते हैं और हम बैठे तो खड़े हो जाते हैं जी, बिल्कुल है ना, तो जनगण मन तो राष्ट्र गाने से जी जी, तो उसकी तो बनता है ना आदर, तो बनता है, अगर वो बज रहा है तो बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। और इसको बहुत ज़्यादा, आप वही फिर से बात करो, उसकी बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, हम राष्ट्रगान कहते हैं, राष्ट्रगान बज रहा है तो खड़े हो जाते हैं, और सम्मान भी है, कहीं ना कहीं आप इस मुल्क में रहते हैं तो देशभक्त भी तो हैं जी, आपकी सलाहियत तो है इस राष्ट्र के प्रति, अगर जो राष्ट्रगान बज रहा है इसी के बारे में है ना, तो लगता है कि बज रहा है तो बिल्कुल हमें सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। इससे कम से कम आप राष्ट्रगान को सम्मान देकर, राष्ट्रगान को सम्मान ही दे रहे हैं, आप अपने आप को सम्मान दे रहे हैं, तो ये बात है, तो होना चाहिए अभी इसके समर्थन। तो मूवी की प्रमोशन स्ट्रेटेजी कुछ है, आपने ऐसा सोच रखी है कि कुछ कैंपेन करेंगे, किस तरह का प्रमोशन करेंगे मूवी को लेकर? मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्होंने डिसाइड किया और ये शोली कर रहे हैं शशि जी, और अच्छा सा प्लान बनाया है हम लोग, और डेफिनेटली यूपी केंद्रित फिल्म है तो कोशिश ये जरूर की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम उस चीज़ को अच्छे से करें। और ये कहते वक्त ऐसा नहीं है कि बाकियों को नहीं कहा जा रहा है, बाकी जगहों को भी उसी हिसाब से हम टारगेट कर रहे हैं जी, जी। कैसे जिनके लिए फिल्म बनाई गई है वो देखें, तो उसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, हर माध्यम अपनाया जा रहा है, और आप जो साथी लोग भी हैं इसमें जो सपोर्ट करेंगे जी बिल्कुल। तो किस तरह से कितने मूवी थिएटर्स में कहाँ कहाँ लगने वाली है? सो इसमें हम लोग ने कुछ प्लानिंग ऐसी कि वो थिएटर्स नंबर ऑफ थिएटर्स अभी नहीं बोल सकते जी, जी। फिल्म कितना पॉपुलर हो रही है, कितना हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं इसको मैसेज को, तो उस पर डिपेंड करता है कि 500 से 700 के बीच में है थिएटर के। मैं थोड़ा आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इतना टारगेट करेंगे तो एक होना चाहिए, तो 500 से 700 के बीच है। कोशिश वो की जा रही है कि जिस जगह की फिल्म है या ऐसे जगह के लोग जहाँ ये लोग देख सकते हैं। देखिए फिल्म मल्टीप्लेक्स की भी है और सिंगल प्लेक्स की भी है। मल्टीप्लेक्स के लिए इसलिए है कि अगर पीपी लाइव जैसे फिल्म मल्टीप्लेक्स में लोग देख रहे हैं तो पीपी लाइव से 20 है, 19 तो नहीं है। बस थोड़ा सा यह है कि वहाँ आमिर साहब थे हमारे पास, हम लोग खुद हैं, अब हर आदमी अपने अपने आमिर खान है, तो मुझे लगता है कि इस जज्बे के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली हम जीत जाएंगे और दिखेगा, लोग देखेंगे। ऐसी कोई मूवी है बॉलीवुड में मूवी वुमेन ओरिएंटेड पे जो वुमेन पे बेस हो या लड़कियों पे बनी हो जो आपको पसंद हो, मतलब उनका काम अच्छा लगा हो? देखिए मैं वैसे भी बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, और नायिका प्रधान फिल्म हो तो वैसे ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम नारी के माध्यम से बहुत सारी बातें कह सकते हैं जी, जी। बाकी मैन तो एक्सप्लोर्ड है जी बिल्कुल, है ना, आप यू कैन नॉट एक्सप्लोर एनी वुमेन, तो आपके लिए हर विषय नया है जी। तो मेरे कथानक में या मेरी कहानी में या इनके अभिनय में या हर चीज़ में मुझे लगता है कि नारी बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है, और अगर हमने उनको ढंग से एक्सप्लोर कर लिया तो लोग बैठे हैं ना समझने के लिए जी, और लोग देखेंगे इस बारे में लोग देखेंगे। जैसे आपके साथ जिस बेस पर आपने पिक्चर किरदार निभाया है, इस तरीके से रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है किसी ने रोड पर चलते हुए छेड़ देते हैं लोग किसी, और यूपी की बात करें तो ऐसा कुछ उस दौरान आपने किस तरह से हैंडल किया उस सिचुएशन? मेरे पास इतनी घटनाएं हैं कि आप शायद रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे, ट्रू बता रही हूँ एकदम। मतलब मैंने बताया मैं दिल्ली से पढ़ी हूँ, तो दिल्ली में जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो DTC की और ब्लू लाइन की बसेस चलती थी, सो आप भी दिल्ली से हैं आपको मालूम है। सो ये बड़ा आम है कि कोई लड़की अगर बस में है तो सडनली ना वो कोई चिपक के किस तरह की हरकतें करते, सबको पता है। और आप मैं बताऊँ, मैं काउंट नहीं कर सकती मैंने कितने लोगों को मारा है, बहुत मारा है। मतलब क्या, मैं घर से ना बिना बताए थिएटर भी करती थी, कॉलेज जाती थी, जॉब करती थी और मैं थिएटर करती थी, तो रात को मेरा एक फिक्स टाइम है कि मुझे घर पहुंचना है, 9:30 का जो टाइम होता था फिक्स टाइम है कि मुझे उस टाइम घर पहुंच जाना है, तो मैं भाग के बस पकड़ती थी। और उस टाइम सर्दियों के दिन में बसेस में फीमेल बहुत कम होती हैं जब एकदम दिसंबर का टाइम होता है। सो ऐसे ही मेरे साथ, मुझे नहीं पता, मुझे बतानी चाहिए करना कि मैं बैठी हूँ सीट पे और मैं विंडो सीट पे बैठी हूँ, सडनली पीछे से ना मुझे लगा जैसे कुछ चल के आया रेन के, और साइड में गैप होता है ना विंडो के पास में, सो मैं डर गई एक बार को और देखा तो कुछ नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ ऐसा लगा मेरे यू नो कमर पे, ऐसा लगा कि कोई टच कर रहा है, एंड आई सॉ वन हैंड कमिंग फ्रॉम द बैक, एंड
यू नो मैंने वो हाथ ऐसे पकड़ के खींचा एंड मैंने उस आदमी को इतना मारा है मेरा हाथ छिल गया बिकॉज आई वॉज सो फ्यूरियस कि किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है. एंड ये एक घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो आप पूछेंगे, मतलब मैं यूपी के भी बता सकती हूँ. इट्स सो बैड. और सबसे मतलब ये हम हर बार ये बात कहते हैं कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो लोग तमाशा देखते हैं. एक्चुअली ये ट्रूथ है, मतलब एक्चुअली लोग तमाशा ही देखते हैं और क्या कहेंगे, अरे आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप नीचे उतर जाइए, यू नो बाकी लोगों को तो जाने दीजिए. हम इस तरह कब तक इग्नोर करते रहेंगे? मैं लोगों से उम्मीद नहीं करती, मैं आज भी अपना स्टैंड खुद लेती हूँ. अगर मैं एज ए वुमेन खुद अपना स्टैंड लेना सीखूंगी तो शायद चीज़ें बदलेंगी. मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जो भी रोल मैं प्ले करूँ या जो भी कैरेक्टर करूँ, मैं खुद भी लिखती हूँ, उस तरह की चीज़ें मैं करने की और बताने की कोशिश, क्योंकि ये मेरा माध्यम है, आर्ट मेरा माध्यम है, इसी के माध्यम से हम अपनी बात कह सकते हैं. तो मैं लड़कियों में और फीमेल्स में ये बात कहना चाहती हूँ कि आप दूसरों का मुंह देखना बंद कर दीजिए, आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा. जब आप स्टैंड लेंगे तो सामने वाले को पता होगा किससे पंगा ले रहे हैं, यू नो. सो इसलिए आप ये इस फिल्म में जब आप देखेंगे, जो मेरा कैरेक्टर है, कुछ नहीं है उसके पास मनी, वो बहुत ही गरीब फैमिली से आती है, इतने सारे बच्चे उनको पालने हैं. उसमें जब उसको पता चलता है कि उसकी डिग्निटी पे अटैक हुआ है तो वो कैसे स्टैंड लेती है, दैट्स ब्यूटीफुल. वो बहुत अच्छे से शूट भी हुआ है एंड आप लोगों को बहुत बहुत मज़ा आएगा. मतलब नॉट ओनली मतलब वो फन भी है उसमें, कॉमेडी भी है उसमें, सब कुछ है, बट द वे शी डील विद द सिचुएशन वो बहुत ही ब्यूटीफुल. व्हिच कैरेक्टर यू रियली लाइक टू प्ले इन फ्यूचर, लाइक रोमांटिक, एक्शन, देयर आर मेनी. यार मैं ऐसा फेवरेट मैं तो वैसे हर तरह के रोल करना चाहूँगी, बट यस रोमांटिक साइड टाइप का रोल होगा तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ट्राई. एमबीसी का फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड? बॉलीवुड एक्टर फीमेल एक्टर मेल? मेल. वेरी डिफिकल्ट. आई गेस ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड, बट मैं किसी का नाम लेना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल. हाँ आई डोंट नो. या मैं शाहरुख के साथ काम करती हूँ, बहुत बड़े स्टार हैं, वेरी नाइस ह्यूमन बींग, सो उनको मैं वैसे ही पसंद करती हूँ. एंड वन मोर थिंग, जो मैं खुद बड़ी परेशान हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मुझे पिछले काफ़ी टाइम से कंटिन्यूस सलमान के सपने आते हैं जिनसे मैं मिली नहीं हूँ और मैं उनको जानती नहीं हूँ. एंड एज ए एक्टर मैं उनको बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा वैसा कोई है नहीं, ऐसा अच्छे हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, दैट्स इट. बट कंटिन्यूसली ही इज़ कमिंग टू माई ड्रीम्स, आई डोंट नो वाई, सो मे बी ड्रीम कम ट्रू. साहब हम ये कहना चाहेंगे बड़ी मशक्कत के साथ ये फिल्म बनाई गई है, बहुत ही पैशनेट होकर फिल्म बनाई गई है, सभी एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो फिल्म मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, सब ने वाकई अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है. तो मैं चाहूँगा कि साहब आप इन लोगों के इस मेहनत को सराहिए, आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जरूर जाइए और इस फिल्म को ज़रूर देखिए, बल्कि देखिए. अगर आपको वाकई दिल के किसी कोने में कोई बात लगती है, चुभती है, या चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, तो आप दूसरे को भी बात कहिए कि साहब जाओ और मुस्कुरा कर और थोड़ा सा समझ कर. एक्चुअली मुझे लगता है, मैं एक छोटी सी बात इस फिल्म के बारे में कहना चाहूँगी. इट्स जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट ईच एंड एवरी कैरेक्टर, मतलब आप हर कैरेक्टर से रिलेट करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली सब ने परफॉर्म किया है, और आप मतलब आप बार बार उनको देखना चाहेंगे. सो एक बार अगर आप जाएंगे थिएटर में देखने तो आप चाहेंगे कि उनको और अपने दोस्तों को दिखाएं, अपनी फैमिली को दिखाएं, बहुत ही मज़ा आएगा. मतलब पूरी फिल्म अपने आप में बहुत ही सुंदर है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जी आप भी. फिल्म के बारे में भी क्या बताएं, सब उन्होंने डिस्कस किया ही है. दर्शकों के लिए बोले खाली. हाँ, दर्शकों के लिए वही कि दर्शक एक बार जाएंगे और देखेंगे तो आई थिंक उसको लाइक करेंगे. ये 2 घंटा 10 मिनट जो भी है वो टाइमिंग सिर्फ इन्जॉय करेंगे फुल, और अल्टीमेटली एक मैसेज है उसमें निकल के आता है, जो उन्होंने मैसेज दिया है उसको एक्सेप्ट करें कि हर चीज़ आसान नहीं होती है, कि शॉर्टकट में है पैसा मिल रहा है, कि भी जो भी जिस हिसाब से गुजरते हैं लोग, जस्ट टोटल फन. जी सर आप देखिए, हमने जो प्रोमो काटा है नॉर्मली बिजनेस के लिए 2 बार 4 बार लोगों को दिखाना पड़ता है, बट एवरी टाइम आई शो टू द पीपल, मुझे लग रहा है कि देट इज़ समथिंग फ्रेश इन दैट प्रोमो. तो मुझे लग रहा है कि ऑडियंस जो आके देखेगी तो दे विल डेफिनेटली लाइक द फिल्म. थैंक यू सो मच.
there is something like repeating itself. कि भाई उसको रिपीट करने की आपकी इच्छा होगी तो एक बार तो थिएटर में आके देखेंगे तो अच्छा लगेगा. एक छोटी सी बात है ना कि एक चुटकुला पे अगर आप हंस देते हैं एक बार है ना तो फिर दोबारा सुनते हैं तो हो सकता है मुस्कुरा दें, फिर तीसरा सुने तो ठीक है यार. इस फिल्म के प्रोमो को जब आप देखेंगे तो आप बार बार देखेंगे और बार बार हंसेंगे. मतलब इसमें वो फ्रेशनेस है जो वो ताजगी है. समझ में सही तो कह रहा हूँ. बिल्कुल, जैसे कि आप मैजिक शो देखने जाते हैं आपको पता होता है ट्रिक क्या है और हर बार आपको मजा आता है क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुली करते हैं कि आपको लगता है कि अरे यार ये फिर से क्रिएट हो गया. सो ये फिल्म आपको मैजिक की तरह लगेगी और हर बार आप एक नई एंगल से देखेंगे. मतलब एक आप कहेंगे अरे ये तो छूट गया, ये रह गया, तो ये इसमें रिपीट वैल्यू इतनी ज़्यादा है इस फिल्म की. या 2 घंटा 10 मिनट कैसे निकलेगा भाई आपको पता नहीं चलेगा, इस बात की गारंटी है. खालिद भाई स्माइल दीजिए ना, ये लोग पेमेंट नहीं मांगेंगे. बड़े अच्छे लोग हैं और हमारी फिल्म को बहुत तहे दिल से प्रमोट करेंगे. सीमा जी कैसे स्माइल दे? शशि जी क्या हो गया आपको, एनर्जी लेवल? अरे महाराज बहुत टाइट है. थैंक यू भाई, इनको बुलवाया जाए भाई. कुछ चाय बिस्किट ले लो यार रहमान जी. नहीं अभी दूसरे कॉफी ले लो, कॉफी हमारी अच्छी बनती है. ओके यू लाइक कॉफी?